चैनल आज हम इस ड्राइंग में सीखेंगे कि कैसे पाइप अरेक्शन करते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे चेक करते हैं। आपके पास ये जो ड्राइंग दिख रहा है ये मेरा हाथ से बनाया हुआ ड्राइंग है। हम इसमें समझेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन चेक किया जाता है, कैसे इसमें हम मालूम पड़ेगा कि कौन सा पाइप कौन सा ए कॉलम से ए पाइप का दूरी कितना होगा। अगर हम किसी भी प्लांट में जाते हैं, इस तरह अगर हम प्लांट में जाएंगे तो अगर हम समझे इस यहाँ पे अगर हम नए हैं ऑलरेडी यहाँ पे जो पुराना वाला आदमी सब काम करते रहता है, फिटर फैब्रिकेटर फॉरमेट सुपरवाइजर, उन लोगों को सब लाइन का कोऑर्डिनेशन मालूम होता है या तो सब कॉलम में लिखा भी हुआ होता है। अगर समझिए कि हम लोग नए हैं, अगर हमें नहीं मालूम है फिर भी हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरीके का जो व्हीसल होगा या टैंक होगा उसका एक नोजल का कोऑर्डिनेशन मालूम पड़ेगा। किसी भी एक ड्राइंग का हम लाइन का एक ड्राइंग ले लेंगे, उस नोजल में जो कनेक्ट होने वाला जो लाइन है उसी लाइन के कोऑर्डिनेशन से हम ये सब ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं ये समझने के लिए बनाया हूँ इसमें कैसे हम निकालेंगे। ये देखिए ये जो टैंक का ये नोजल है उसका कोऑर्डिनेशन इतना है, यहाँ पे स्टिक 6520 है, नॉर्थिंग 5620 है, इलिवेशन 2500 है। तो ए नॉर्थ में जाएगा तो प्लस जाएगा, साउथ में जाएगा तो माइनस जाएगा, ईस्ट में जाएगा तो प्लस जाएगा, वेस्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ड्राइंग में साउथ में प्लस जाता है, वेस्ट में माइनस आता है। इस ड्राइंग में देखिए, इस ड्राइंग में नॉर्थ इधर से ऊपर रहा है तो इस ड्राइंग में नॉर्थ में प्लस जाएगा, ईस्ट में प्लस जाएगा, और नॉर्थ में प्लस जा रहा था वेस्ट में माइनस हो जाएगा और साउथ में माइनस हो जाएगा। अगर ये देखिए यहाँ का नॉर्थिंग जो है यहाँ यहाँ का वाला जो नॉर्थिंग होगा ये ज़्यादा होगा, यहाँ से ज़्यादा होगा। ड्राइंग में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट ड्राइंग में देखते हैं। इस ड्राइंग में देखिए इसका एरो इधर दिया है, इसका नॉर्थ इधर है, तो इसमें जो है ये साउथ में प्लस जाएगा और वेस्ट में प्लस जाएगा। देखिए यहाँ पे साउथिंग लिखा हुआ है, वेस्टिंग लिखा हुआ है। इस तरीके का और भी मैं ड्राइंग के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, रोलिंग के बारे में, वायर बेंडिंग के बारे में। फिलहाल हम लोग आज इसके भाई जो कोटेस बनाया मैं सिर्फ समझने के लिए कि पाइप कैसे अरेक्शन करेंगे, कॉलम का हम कोटेशन कैसे मान लो, यहाँ से नोजल का डिस्टेंस कितना होगा, ये पाइप से ये पाइप का डिस्टेंस कितना होगा, ये ड्राइंग में हम सीखेंगे। इसी में अगर समझिए कि इसका 6520 है तो हमको इसका नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, ये नोजल से ये कॉलम का डिस्टेंस चेक करेंगे कितना है। समझिए एग्जांपल यहाँ पे 2 मीटर आया है तो ये कोऑर्डिनेशन 6520 है। ये कोऑर्डिनेशन इसका हमको मालूम कैसे पड़ेगा, किसी भी मतलब इस लाइन में जो ड्राइंग जो इस नोजल में जो लाइन कनेक्ट होने वाला है उसका हम ड्राइंग लेंगे, उसी ड्राइंग में यहाँ पे जो इंड में लिखा होता है इस तरीके का ये ड्राइंग है। देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है इसमें तो यहाँ पे दूसरा लाइन कनेक्ट होना है, लेकिन इसी तरह से यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे इसी तरीके से वो आगे वाला विसल का कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ था, नोजल का कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ था। इसी तरीके से हम इसमें समझे कैसे निकालते हैं, यहाँ का जो 2 मीटर का जो डिस्टेंस है इसमें हम प्लस करेंगे तो ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए 2 मीटर इसमें 2 मीटर प्लस होगा तो 6720 हो जाएगा यहाँ का, तो देखिए मैं कितना 6520 है, तो प्लस करके यहाँ से फिर इसका डिस्टेंस कितना उसमें भी ये प्लस होता चला जाएगा, यहाँ से जो भी है उसमें डिस्टेंस जाएगा उसमें भी प्लस होता चला जाएगा। इसी तरीके से नॉर्थ का जो है डिस्टेंस वो भी नॉर्थ जो आगे की तरफ जाएगा वो प्लस होता जाएगा और साउथ में जो आएगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ का नॉर्थिंग देखिए यहाँ से देखिए 5620 है, यहाँ पे 5820 है, यहाँ पे 60 है। उसी तरीके से हम लोग एक पाइप से ये पाइप का डिस्टेंस कितना है कितना होगा, ये पाइप का ए पाइप का सेंटर तक 2 मीटर आ जाएगा। किसी भी ये कॉलम का सेंटर से पाइप का सेंटर तक चेक किया जाता है, ठीक है। अगर हमको देखिए यहाँ का 5820 है, उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन देखिए कितना है, नॉर्थिंग 5920 है, तो यानी कि इस कॉलम से आगे की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। जिसका कोऑर्डिनेशन ज़्यादा है उसमें से हम माइनस कर लेंगे इतना, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा।
1 मीटर इसका डिस्टेंस आएगा। ऐसा मैं समझने के लिए सिर्फ यह बनाया हूँ। इसी तरीके से यहाँ का डिस्टेंस कितना है उसी तरह हम लोग माइनस प्लस करके ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर समझिए कि ये लाइन अगर वेस्ट की तरफ जाता है, अगर हमको एलिवेशन निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, ये नोजल में स्पीड लेवल ये वाटर लेवल सॉरी वाटर लेवल में से हम इसका नोजल का ये वाटर लेवल में पानी फिल करके जो चेक करते हैं वाटर लेवल से, इसमें हम टच करेंगे। उसके बाद इसका एलिवेशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना एलिवेशन है इसका। उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी पाइप कर सकते हैं। अगर एलिवेशन EL प्लस लिखा हुआ है, ये समझिए कि यहाँ का ये जीरो एलिवेशन है, यहाँ से प्लस अगर लाइन जा रहा है तो वो प्लस होता चला जाएगा। अगर माइनस अंडरग्राउंड कोई लाइन है तो EL माइनस लिखेगा, जो भी डिस्टेंस आएगा वो माइनस लिखेगा ड्राइंग में। अगर ये वेस्ट की तरफ जाता तो समझिए लाइन माइनस होता है। देखिए मैं इस ड्राइंग में ड्रॉ करता हूँ, देखिए अगर ये लाइन हमारा यहाँ है और ये नोजल यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस 2 मीटर है। अगर इसमें देखते हैं, देखिए अगर ये नोजल से अगर वो इस ये पाइप अगर वेस्ट के साइड में होता तो ये 2 मीटर, ये 6520 में से 2 मीटर ये माइनस हो जाता। इसी तरीके से हम आसानी से किसी भी अगर साइड में जाते हैं, अगर हम नए हैं तो फिर भी किसी भी एक ये जो टैंक का जो एक नोजल होगा उसी नोजल से हम उसमें जो लाइन कनेक्ट होने वाला है उसी लाइन का एक कोऑर्डिनेशन से हम लोग एक पूरा कॉलम का ऐसा कोऑर्डिनेशन इस तरीके का पूरा हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी एक का हमको मालूम पड़ जाएगा, उसी से हम आसानी से सब जगह ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं। इस तरीके का वीडियो में और भी लेके आने वाला हूँ पाइपिंग से रिलेटेड, रोलिंग वायर बेंडिंग। प्लीज़ हम अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।